ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण मैं देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है, लेकिन जब यह आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या गया, मुझे मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है। वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे, और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था, इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया है। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, वो 3 मंत्री चले गए और एमएलए कितने गए, एमएलए भी उनके ऊपर एक्शन हुआ, जेल में गए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि एक अच्छा आदमी, अगर हमारी टीम अगर होती ना, अरविंद और हमारी टीम 2011 से पहले से जो चली आ रही थी, वो टीम अगर ना टूटती और ये टीम बनी रहती तो आज देश का नक्शा बदल जाना था, ऐसा मुझे विश्वास है, देश का नक्शा बदल जाना था, सिर्फ टीम नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गई। हो तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देश के लिए।